हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम टेक सॉल्यूशंस बेसिक कंप्यूटर कोर्स। आज हम एडवांस एक्सेल कोर्स की शुरुआत करने वाले हैं, तो आइए हम एडवांस एक्सेल कोर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको यहां पर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहां टाइप करना है एक्सेल। यहां पर आपको एक्सेल दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एक्सेल होगा वह ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है एक्सेल को ओपन करने का, आप कीबोर्ड से विंडोज बटन प्रेस करके रखेंगे और आर प्रेस करेंगे तो ये रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहाँ आप टाइप करेंगे एक्सेल, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो भी आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। आप यदि बार बार एक्सेल का यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ एक्सेल वाले आइकन पर आकर के यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पिन टू टास्क बार पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए, जब हम इसको क्लोज करते हैं, अब ये टास्क बार पर एड हो चुका है, यहीं से आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका ठीक लगे उस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें देखिए मोर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल का बेसिकली वर्क क्या होता है। एक्सेल का यूज हम जैसे कंपनी का मंथली बजट तैयार करना हुआ, पेमेंट इनवाइस तैयार करना हुआ, अटेंडेंस तैयार करना हुआ, सेल्स रिपोर्ट जनरेट करना हुआ, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाना हुआ, टू डू लिस्ट बनाना हुआ, एक्सपेंस रिपोर्ट और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो हम एक्सेल में करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, बिजनेस कैटेगरी के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। जिस भी कैटेगरी का आपको टेम्पलेट चाहिए उस कैटेगरी का आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे मंथली बजट कंपनी का क्या है, स्मॉल बिजनेस प्रॉफिट लॉस बिजनेस बजट, यहाँ पर कई सारे बिजनेस से रिलेटेड जो है टेम्पलेट मिल जाते हैं। पर्सनल टेम्पलेट मिल जाते हैं, प्लान एंड ट्रैकर का जो है टेम्पलेट मिल जाता है, लिस्ट बजट चार्ट कैलेंडर, आपको जिस तरह का भी यहाँ पर चाहिए आपको उस तरह का आपको यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाते हैं। लेकिन अभी हमें यहाँ पर ब्लैंक लेना है। देखिए हम जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें जो ब्लैंक सीट होता है उसे हम डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, लेकिन यहाँ एक्सेल में हम जो ब्लैंक होता है सीट उसे हम वर्कबुक कहते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम ब्लैंक वाले सीट पर क्लिक करेंगे। अब ये जो होता है हमें ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्कबुक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बुक वन नाम से आपको ये टाइटल दिखाई दे रहा है, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। जिस भी नेम से हम इसको सेव करेंगे वह नेम यहाँ पर शो करेगा। जैसे हमें इसको सेव करना हुआ, कीबोर्ड से आप कंट्रोल एस टाइप करेंगे या फिर यहाँ पर आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे और ये जो है यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। जहां भी आपको सेव करना है वहां फोल्डर में जाएंगे, ओपन करेंगे और जहां भी आपको ये फाइल सेव करना है, किस नेम से सेव करना है, यहाँ पर वो नेम दे देंगे। जैसे हम यहाँ पर नेम दे देते हैं एक्सेल सीट वन, यहाँ पर सेव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले जो है बुक वन नाम से सेव था, लेकिन अभी यहाँ पर जो है एक्सेल सीट वन के नाम से सेव हो चुका है। तो जिस भी नेम से आप सेव करेंगे यहाँ पर सेव हो जाएगा, ये हमारा टाइटल बार होता है। इसके बाद हमें यहाँ पर मिनिमाइज बटन का मिल जाता है ऑप्शंस, मिनिमाइज पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है बैकग्राउंड में चला जाएगा डेस्कटॉप के। उसके बाद वापस से क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमाइज के लिए ऑप्शंस दिया हुआ है कि आपको कितना मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये ऑप्शंस बेसिकली विंडोज 11 के अपडेट में है, यदि आपका विंडोज 10 है तो इस तरह का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से छोटा हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसको हम फुल कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करेंगे जो आपका सीट है वह क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक रिबन का ऑप्शन मिल जाता है, ये सभी जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसे हम रिबन कहते हैं और यहाँ पर हमें उस रिबन में कई सारे टैब देखने को मिलते हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सभी जो है टैब्स हैं। इन सभी के बारे में हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। आज जो है हम केवल बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे एक्सेल जो है क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है और इसमें क्या क्या होता है। उसके बाद देखें यहाँ पर हमें नीचे जो है स्टेटस बार दिखाई देता है, जहाँ पर हम यहाँ से हम इसको जूम कर सकते हैं। जैसे आपको जितना जूम करना है, जूम आउट जूम इन करना है, यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। जूम आउट जो है आप 10% तक कर सकते हैं और जूम इन देखते हैं हम कितना कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप जितना जूम इन करेंगे यहाँ से जूम इन हो जाएगा। आई थिंक 400% जो है यहाँ से हम जूम इन कर सकते हैं। तो ठीक है, जो जूम इन होगा वह हम 400% तक कर सकते हैं और जो जूम आउट होता है वह 10% तक कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है एमसीक्यू में। ठीक है, कि जूम आउट जो है हम 10% तक कर सकते हैं और जूम इन जो है हम 400% तक कर सकते हैं। अभी हम इसको नॉर्मल कर देते हैं 100% पर। अब यहाँ पर जो आपको ब्लैंक सीट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए जैसे हम माउस का कर्सर लेके जाएंगे, जहाँ पर हम भी लेके जाएंगे वहाँ पर जो है इस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आपको डार्क एरिया दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आपको डार्क बॉर्डर करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, इसे जो है हम सेल बोलते हैं। और यह सेल कहाँ पर है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये D4 सेल में आपको दिखाई दे रहा है। D4 सेल का मतलब जैसे आप एरो से कीबोर्ड से भी मूव कर सकते हैं, कीबोर्ड
कीबोर्ड का जो एरो बटन है उसे आप मूव कर सकते हैं। जहां भी मूव करेंगे, जैसे हमने ईमेल लेके आए, हम ई वाले ऑप्शंस में लेके आए हैं और यहां पर फोर है, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि ई फोर में आपका सेल जो है दिखाई दे रहा है। तो जिस भी सेल में जाएगा यहां पर आपको नेम दिखाई देगा और उसके बाद हमें यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, इसे हम फॉर्मूला सेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कोई नंबर टाइप कर लिया, अभी यहाँ पर ये ब्लैंक है, जैसे देखिए यहाँ पर अभी हम रखे हैं तो यहाँ पर हमें नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम यहाँ पर फॉर्मूला का यूज करते हैं, देखिए जैसे ही हम इस सेल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है वो यहाँ पर शो करेगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बार हो गया जहाँ पर हमें फॉर्मूला जो है शो करेगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार दिखाई दे रहा है, तो जो भी आपने फॉर्मूला लगाया होगा तो वहाँ पर जब उस सेल में जाएंगे पर्टिकुलर सेल में, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी शो करेगा। अब हम आते हैं कॉलम्स क्या है और रो क्या है। यहाँ पर जब आप एरो लेके आते हैं, जो आपको ये ए बी सी डी, यहाँ से देखिए ये पूरा ए सिलेक्ट हो गया, बी पूरा सिलेक्ट हो गया, सी पूरा सिलेक्ट हो गया, इन सभी को हम कॉलम्स बोलते हैं। और ये जो हमारा 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन है, इन सभी को हम रोज बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले कॉलम्स देखते हैं कितने हैं। यदि हमें लास्ट वाले कॉलम में जाना है कि हम देखना चाहते हैं कितने कॉलम्स हैं इसमें, तो सिंपली आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे और ये एरो बटन को प्रेस करेंगे, तो आप जो है लास्ट वाला जो आपका कॉलम होगा XFD, ये जो है आपका लास्ट कॉलम होता है, ये जो है यहाँ पर आ चुका है। एक्सेल शीट में जो टोटल कॉलम्स होते हैं वो 16,384 कॉलम्स होते हैं। इसके बाद यदि आपको वापस ए वाले कॉलम पर आना है, सिंपली कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड में और आप लेफ्ट साइड वाला एरो बटन प्रेस करेंगे, तो आप जो है ए वाले कॉलम में आ जाएंगे। उसी तरह हमें रोज को फाइंड आउट करना है कि कितने रो हैं, तो हम सिंपली कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर और जो है एरो का डाउन वाला जो बटन है यहाँ पर कीबोर्ड का, उसको प्रेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 10,48,576 जो है यहाँ पर हमें रो दिखाई दे रहे हैं। तो हमें ये याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि कितने रोज होते हैं और कितने कॉलम होते हैं, तो यहाँ पर कॉलम जो है बस 16,384 होते हैं और जो रो होते हैं वह 10,48,576। यदि हमें वापस पहले वाले रो पर जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और कीबोर्ड पे ये अपर वाला जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे अप साइड में। इसी तरह ये तो हो गया हमारा कॉलम और रो। यदि हमें सीट में, जैसे ये सीट में है, एक सेल से दूसरे सेल में मूव करना है, या तो आप माउस से मूव कर सकते हैं, इस तरह से माउस का जहाँ पर भी कर्सर लेके जाएंगे और लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे माउस का, तो वहां पर आपका आ जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से सिंपली ये जो एरोस कीज होती हैं इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ्ट साइड एरो कर सकते हैं, राइट साइड, डाउन साइड, अप साइड, तो जहां से भी आप एरो यूज करना चाहते हैं। इंटर बटन का भी आप प्रेस कर सकते हैं, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये डाउन साइड जो है मूव करेगा, लेकिन एरो बटन प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट राइट अप डाउन जो है मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सीट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे हम इसमें एक्सेल में हम कई सारे सीट्स को बना सकते हैं। यहाँ पर अभी सीट 1 दिया, उसी तरह हम यहाँ पर ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सीट 2 ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर तो जितने आपको सीट चाहिए तो यहाँ से आप सीट को भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमें सीट 1 का यदि हमें डुप्लीकेट तैयार करना हो, जैसे हमने कुछ इसमें डेटा जो है फिल कर दिया है, कुछ हम डेटा इसमें फिल कर देते हैं, यदि हम कुछ डेटा यदि फिल कर लेते हैं, इसके बाद हमें यदि हमें इसको डुप्लीकेट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मूव आर कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें देखिए एक्सेल सीट 1 है और यहाँ पर सीट 1 का हम कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए सीट 1 का जो है कॉपी तैयार हो चुका है। तो इस तरह से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। यदि इसको रीनेम करना हुआ तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रीनेम का ऑप्शन मिल जाता है, रीनेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो भी नेम देना चाहें, जैसे हम सीट 10 देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम नेम जो है दे सकते हैं। यदि आपको इन सभी सीट का कलर चेंज करना होगा तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टैब कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो भी कलर चाहिए, यहाँ पर देखिए हमने सीट का जो टैब कलर है उसने वह हमने चेंज कर दिया। इसी तरह यहाँ पर भी हम टैब कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम येलो कर देते हैं। उसी तरह हम सीट 2 का भी चेंज कर सकते हैं, टैब कलर में जाएंगे, जो भी कलर आपको चूज करना है उसी तरह सभी का जो है कलर जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा कलर आपको देना है। तो इससे जो है इसका जो लुक होता है वह बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से आप जो भी कलर चाहिए यहाँ से आप दे सकते हैं, सभी सीट में आप कलर को भी ऐड कर सकते हैं। यदि आपको किसी सीट को हाइड करना हुआ तो भी हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप हाइड पर क्लिक करेंगे, ये जो सीट होगा वह हाइड हो जाएगा। देखिए ये जो सीट है वह हाइड हो चुका है, जो हमारा सीट 10 था वह हाइड हो चुका है।
अब यदि उसको वापस लाना है तो वापस यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अनहाइड का ऑप्शन मिलता है। अनहाइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा आपने कितने सीट हाइड किए हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही सीट को हाइड किया है तो यहाँ पर हमारा जो सीट 10 है वही हाइड है तो वहां पर शो कर रहा है। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो जो सीट होगा हमने हाइड किया था वह वापस आ जाएगा। इस तरह से हम सीट को हाइड कर सकते हैं। यदि हमें सीट को डिलीट भी करना हुआ तो यहाँ से हम राइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलता है। इस तरह से यहाँ से हम सीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होगा, हम किस तरह से क्या रोज होते हैं, क्या कॉलम्स होते हैं, सीट क्या होता है, सेल्स क्या होता है, यहाँ पर स्टेटस बार कहाँ पर है, फॉर्मूला बार कहाँ पर है, हम सेल्स में जब इंटर करते हैं तो हमें ऑप्शंस कहाँ पर दिखाई देगा कि कौन सा सेल में है अभी हम, तो वे सभी ऑप्शंस हमने देख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे अब एक्सेल्स को स्टार्ट करेंगे कि एक्सेल्स में और क्या क्या हम कर सकते हैं। इसी तरह और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।